Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS PMS or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Today, our agenda is about fixed preposition, and just let's start our topic. प्रेपोजिशन के चैप्टर में आपको तीन चीजें मिलती हैं मेन. एक आपके पास है बेसिक प्रेपोजिशन, एक आपके पास आ जाती है फ्रेजल वर्ब, और एक आपके पास है फिक्स प्रेपोजिशन. मोस्टली आप प्रीवियस एग्जाम्स के किसी भी एग्जाम्स के आप पास पेपर उठा के देख लें, आपको फिक्स प्रेपोजिशन में से मोस्टली क्वेश्चन आते नजर आते हैं. फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है? कोई भी आपके पास वर्ब है उनके साथ कुछ प्रेपोजिशन ऐसी हैं कि वो फिक्स हैं, उन वर्ब के साथ वही यूज की जाती हैं. कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे आपके पास वही प्रेपोजिशन यूज की जाती है, उन्हें हम फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं. आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रेपोजिशन को कवर करें, और आने वाली क्लास में भी हमारी फिक्स प्रेपोजिशन ही डिस्कस की जाएंगी. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आपके सामने हार्मफुल है, डिटेरिमेंटल है, उसके बाद आपके पास प्रीनेंशियस है, इंजूरियस है, बेनफुल है, डिजास्टर्स है. ये सारे वर्ड्स आपके पास हार्मफुल के सेंस में ही आते हैं, नुकसानदेह, खतरनाक, जो आपके लिए नुकसान का बाइस बनने वाली है आप कह सकते हैं, जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वट एवर. इन सब का मीनिंग एक ही है, और ये एक सिनोनिम है हार्मफुल के ही. हार्मफुल का मीनिंग सब आप जानते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदेह हो, आपके पास हार्मफुल को आपने याद रखना है कि हार्मफुल के साथ हमेशा टू यूज करेंगे. और इसके अलावा ये सारे जो सिनोनिम्स आपके सामने लिखे हैं, इनके साथ भी टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. ये आपका एक बेसिक फिक्स प्रेपोजिशन है, और इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स वर्ड्स हमने देखे जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू ही यूज की जाती है. ठीक है, हार्मफुल टू, डिट्रीमेंटल टू, इंजूरियस टू, बेनफुल टू, डिजास्टर्स टू. अब आगे बेनिफिशियल के सेंस में देखते हैं. मैंने आपको रूट वर्ड भी बताया था बी ए एन ई का, कि बी ए एन ई का मतलब होता है बैन, मतलब बैड के सेंस में यूज होता है. कोई भी बुरी चीज है, बैड इफेक्ट है उसका, तो उसके सेंस में हम बी ए एन ई रूट वर्ड का यूज करते हैं. लेकिन अगर आप देखें बी ई एन ई, तो बी ई एन ई रूट वर्ड एक ऐसा है जिसका मतलब गुड के सेंस में यूज होता है, आपके प्रॉफिटेबल सेंस में यूज होता है. तो बेनिफिशियल आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियल में आपके पास कंडक्टिव भी है, उसके बाद लुक्रेटिव है. लुक्रेटिव मैंने अपना निमोनिक्स में भी लगाया था, एक लक का फायदा हुआ है. एल यू सी लुक्रेटिव, लुक्रेटिव में आपको लक नजर आ रही है, तो ठीक है, जिसकी लक अच्छी होती है उसको भी उस सेंस में भी हम देख सकते हैं लुक्रेटिव को. और एक लाख का फायदा हुआ है, तो वो भी प्रॉफिट के सेंस में है, प्रॉफिटेबल. बेनिफिशियल से ये जो फोर सेंटेंस वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका ओवरऑल अगर आप मीनिंग देखें तो प्रॉफिट के सेंस में ही आ रहा है. किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी वर्ड के मीनिंग के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. ठीक है, बेनिफिशियल कंडक्टिव के सेंस में, लुक्रेटिव एक लाख का फायदा हुआ है, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल के साथ भी हम टू का यूज करेंगे. मतलब नुकसानदेह है अगर कोई चीज. स्क्रीन शो नहीं हो रही उस्मान, अस्मा बेटा आपको ही नहीं हो रही है, बाकी स्टूडेंट्स को हो रही है. तो अस्मा ऐसा है कि आप दोबारा से रीज्वाइन करके देखें क्लास. जी आवाज कट रही है, और सामने रखो. आई डोंट नो बेटा, मेरे साइड पे तो ओशन नहीं इतना कोई खास नजर आ रहा, लेकिन फिर भी मैं चेक करवा लेती हूँ. असद बेटा आप बेहतर है? बाकी स्टूडेंट भी लिखिएगा कि आप सबको क्लियर है. हो सकता है असद के साइड पे कोई प्रॉब्लम हो. मैम क्लियर है मैम. ठीक है, ओके ओके, ठीक हो गया. कि मेरी साइड पे बच्चे नेट का इशू होता नहीं है, कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि ऐसा नेट कनेक्टिविटी के मतलब नेट का जो है वो कनेक्शन मैं लगाती हूँ, कि जिससे बहुत ही कम सीवियर होता है कि यहाँ पे कोई नेट का इशू.
सर दैट वाज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे बेनिफिशियल कंडक्टिव को और लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल को. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं बेटा ये प्रॉफिटेबल की सेंस में ही आते हैं और इनके साथ भी टू प्रेपोजिशन लगते हैं. अच्छा हमने फायदेमंद की चीजें को भी देख लिया कि मतलब प्रॉफिटेबल और हार्मफुल दोनों के साथ क्या लगता है टू प्रेपोजिशन लगता है और ये फिक्स प्रेपोजिशन है. अभी तक हमने 10 वर्ड जो है वो कंप्लीट किए हैं. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लाभ. लाभ का मतलब सबको पता होगा. स्माइल का मतलब भी सबको पता होगा. कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको नहीं पता. अच्छा ये बेसिक वर्ड मैं इसलिए आप लोगों को साथ में रखती हूँ ताकि आपको इनके साथ लिंक करना आसान हो जाता है. आप जब इनके साथ लिंक कर लेते हैं आपके जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी आपको मेमोराइज हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं. लाफ मीन हंसना. स्माइल मीन मतलब आप कहते हैं खुल के नहीं आप हंस रहे बल्कि हल्की सी स्माइल होती है. ठीक है. चकल का मतलब क्या होता है. ठीक ठाक हंसना मतलब आप कह लें कहका लगा के हंसना. ठीक है. ग्रीन का मतलब क्या होता है. ग्रीन का मतलब भी हंसने से रिलेटेड है. स्निगर समरीक एंड स्निकर ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं मुंह दबा के हंसना मतलब आप कह लें कि एक ऐसी स्माइल होती है जहां पे फर्स्ट करो आप क्लासरूम में बैठे हो तो कोई ऐसी बात हो गई है जो टीचर ने कह दिया और टीचर की कोई ऐसी बात जो आप जिसपे आप ओपनली नहीं हंस सकते हैं लाफ नहीं कर सकते स्माइल नहीं कर सकते चकल नहीं कर सकते तो उसपे आप क्या करते हैं स्निगर स्मरीक या स्निकर करते हैं मतलब मुंह पे हाथ रख के चुप चुप करके हंस रहे होते हैं. ऐसे ही है. अक्सर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा भी होगा क्लासरूम में यूनिवर्सिटी लेवल पे भी. ठीक है. तो ये चीज क्या होती है मुंह दबा के हंसना उसको हम क्या कहते हैं स्निगर समरीक और स्निकर. अब ये सब चीजें आपने बिल्कुल मुंह दबा के हंस रहे होते हैं ना. ठीक है. मुंह पे हाथ रख के एक्सपीरियंस भी होता है आजकल तो फैमिलीज में भी हो जाता है गेट टूगेदर हो तो वहां पे भी. असद बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ देखिए आपदा ने तो पिक्चर बना के भेज दिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. हाँ बिल्कुल ऐसे आपदा आपसे तो मुझे इसी तरह की चीजों की उम्मीद है. अच्छा जी आगे देखते हैं. मॉक. मॉक करना क्या होता है. मॉक करना होता है कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं. फर्ज करें यहाँ पे किसी ने किसी को अब आप लोग तो विजिबल नहीं बैठे हैं लेकिन पहले स्टूडेंट्स जो होते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे एक दूसरे के कॉम्प्लेक्शन पे एक दूसरे की हाइट पे बहुत ज्यादा टॉन्ट करते थे मतलब ऐसे किसी का मजाक उड़ाया तो इसको हम क्या कहते हैं. इसको हम कहते हैं मॉक करना. असद बेटा आप कुछ कह रहे हो. ओके मैं कर देती हूँ आपका माइक म्यूट कर देती हूँ मैं. ओके ठीक हो गया. आप दोबारा देखिएगा आप ठीक है. आप चैट में लिख दीजिएगा सर. मौका भी आपको समझ आ गया. लाफ चकल मतलब कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो स्माइल से रिलेटेड ना हो. तो ये सारे वर्ड स्माइल से रिलेटेड हैं. कोई मुंह दुबा के हंस रहा है कोई कह लेंगे ओपनली स्माइल कर रहा है कोई कहका लगा के हंस रहा है. ठीक है. तो इनके साथ एड का वर्ड जो है वो यूज होगा. ठीक है. इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है. इनके साथ एट की प्रेपोजिशन यूज होती है और ये भी ऑलमोस्ट 6 to 8 वर्ड्स थे जो हमने किए हैं. तो अभी तक हमने कितने वर्ड्स किए हैं 18 वर्ड्स हम कर चुके हैं. अब कंपेयर एक ऐसा वर्ड है बेटा जिसके साथ टू का भी यूज कर सकते हो विद का भी यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को. अच्छा जो बच्चे पहली दफा क्लास अटेंड कर रहे हैं असद मेरा चैट में जो है नंबर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर वो मुझे अपने नाम के साथ टेक्स्ट कर दें. ठीक है. जो जिस नाम से उन्होंने क्लास ज्वाइन की है बेटा कंपेयर के साथ देखिएगा. कंपेयर के साथ दो प्रेपोजिशन यूज होती हैं और इस तरह के जब एक ही वर्ड के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज होती हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि टू कहाँ पे यूज होगा विद कहाँ पे यूज होगा. तो ये चीज जो आपको प्रॉब्लम करती है यहाँ पे हम देखेंगे. कोई इतना मसला नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा. कंपेयर के साथ टू भी यूज कर सकते हैं विद भी यूज कर सकते हैं. अब यूज कहाँ पे करना है इन केस ऑफ डिफरेंट पर्सन. जब कोई भी डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट थिंग्स है ना तो वहां पे क्या करेंगे हम टू का यूज करेंगे. लेकिन जब आपके पास सिमिलर कंपैरिजन हो रहा होता है तब हम विद का यूज करते हैं. मतलब सिमिलर पर्सन है भाई का कंपैरिजन मतलब बहन भाइयों में कंपैरिजन हो रहा है इंसान का इंसान से हो रहा है. थैंक यू अस्मा. मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है बेटा वो शेयर कर दिया गया है मेरी एक स्टूडेंट ने किया है. आप लोग व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फर्दर रेगुलर क्लासेस के लिए. अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास आ जाता है विद का यूज. विद का यूज कहाँ पे होता है पर्सन के लिए. अच्छा विद एक ऐसी प्रेपोजिशन है आप लोग लिख लें अपने नोट्स में. मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि जब भी क्लास अटेंड करें आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए. ठीक है. सिमिलर कि आप जैसे स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं तो बैग या पेन पेपर के अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कोई भी क्लास अटेंड करें. तो ऑनलाइन के केस में भी सेम चीज है कि आप पेन और पेपर लाजमी पास रखा करें. तो विद आप लोग नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में. 90% केसेस में विद जो है वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है.
विद हमेशा पर्सन के लिए यूज किया था। अभी आप आगे भी देखेंगे, काफी सारी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसमें भी आप देखेंगे कि विद जो है वो आपके पास पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे सिमिलर कंपेरिजन होगा तो आपके पास क्या होगा, विद का यूज करेंगे। और अगर कंपेरिजन डिफरेंट चीज का होगा, डिफरेंट चीज का क्या है, अगर मैं आपके अपने पेन का कंपेरिजन आपके लैपटॉप के साथ कर दूँ तो ये क्या है, ये डिफरेंट कंपेरिजन है। तो डिफरेंट कंपेरिजन आपके पास टू के साथ किया जाएगा, ठीक है। अभी पिछली स्लाइड पे रहे सर, अब यहाँ पे देखिएगा, लाइफ इज कंपेयर्ड डैश पिलग्रिम्स, उसके बाद है हिंदुइज्म इज कंपेयर्ड डैश जैनिज्म। अब आप लोग इसको फिल आउट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को दोनों चीजें बताई हैं, आप लोग इस चीज को चैट में लिख के मुझे रिप्लाई करें, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। मैंने बताया सिमिलर कंपैरिजन है। अब देखिए यहाँ पे बात समझने की है, हिंदुइज्म क्या है, रिलीजन है, जैनिज्म क्या है, रिलीजन है। तो दो रिलीजन सेम सेम है ना, रिलीजन के दरमियान कंपैरिजन है, वेरी गुड, रिलीजन के दरमियान कंपैरिजन है तो विद आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कंपैरिजन डिफरेंट चीजों के दरमियान में है तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो ये चीजों आप लोगों ने अब क्लियर करनी, ठीक है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड, सब ठीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवाती रहूंगी ताकि आपकी जो क्लैरिटी है ना वो अपने आती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये भी सारे वर्ड्स जो है ना सप्लाई से ही है। फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, मैंने बताया तो है, फर्स्ट में हमारे पास टू आएगा ना, लाइफ का कंपैरिजन डिफरेंट के साथ है। अब यहाँ पे सप्लाई का वर्ड है, सप्लाई, और यहाँ पे जितने भी वर्ड है ना, अब सप्लाई करना क्या होता है, फर्ज करो कि एक कंपनी है वो क्या करती है, वो सोप सप्लाई कर रही है, सोप सप्लाई की है उसने मार्केट में, तो मार्केट में उसने सोप प्रोवाइड की है, हम यही कहेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सप्लाई करना क्या है, एक कंपनी है, लक्स की कंपनी लगा लें, लक्स के सोप हर जगह पे अवेलेबल है और मोस्टली लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। लक्स की कंपनी है, उसने सप्लाई किए हैं सोप लक्स के मार्केट में, अब मार्केट को उसने लक्स प्रोवाइड किया, ऐसे ही है, हम ये भी कह सकते हैं सप्लाई किया या प्रोवाइड किया, ऐसे ही है। अब मार्केट में लक्स का सोप जो है वो प्रेजेंट है, एंड ट्रस्ट का भी मतलब होता है स्पूर्द करना, मतलब होलसेल डीलर ने अब मार्केट में जो छोटी ये जो कमर्शियल शॉप्स होती हैं, रिटेलर्स होती हैं, इनको इंटरेस्ट कर दिया, उनके स्पूर्द कर दिया जो लक्स का स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद फर्निश कर लिया उन्होंने अपनी दुकान में, उसको प्रेजेंट कर लिया, मतलब उसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होगी वहां पे उन्होंने वो लगा दिया। तो अभी तक ये सारे जो वर्ड्स है मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हुआ कि ये सारे वर्ड्स एक ही तरह के हैं, इनका एक ही मतलब है, सप्लाई करना, प्रोवाइड करना, प्रेजेंट, हाजिर है, मतलब अगर कोई चीज आपको सरप्राइज करी सप्लाई की जाएगी तो आपके पास होगी, इंटरेस्ट करना, स्पूर्द करना, फर्निश करना किसी चीज को, आपको कोई चीज दी गई है तो वो ही आप फर्निश करेंगे, ऐसा ही है। चैट में मेरे साथ रहिएगा स्टूडेंट्स, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत जरूरी होता है कि आप लोग साथ रहें, ठीक है। चलो ये क्लियर है, अब आगे मैं नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर आप कोई समवन विद समथिंग, अगर तो समवन कोई इंसान कोई चीज किसी को दे रहा है तो हमारे पास, मतलब समवन कोई इंसान है, कोई चीज किसी को दी जा रही है और किस तो वहां पे क्या आएगा, विद आएगा। अगर समथिंग कोई चीज है, मतलब पर्सन है, पर्सन नहीं है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, मतलब कोई चीज है जो किसी को दी जा रही, तो वहां पे टू आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझेगा, दे सप्लाइड वेपन्स द टेररिस्ट, अब पहले में क्या आएगा, वेपन्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, एग्जैक्टली टू द टेररिस्ट आएगा, ठीक है। अब वहां पे नेक्स्ट में आएगा दे सप्लाइड द टेररिस्ट विद वेपन्स, अब उन्होंने टेररिस्ट सप्लाई किए हैं वेपन्स के साथ, वेरी गुड, तो यहाँ पे विद का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो आप लोगों को अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देती हैं और आपकी एक मिनट की कंफ्यूजन की वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली ठीक हो गया। अब हम देखें लेफ्ट, लेफ्ट के केस में बहुत ही कंफ्यूजन होती है और ये एग्जाम्स में आ भी जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट में आपके पास ये दो सेंटेंसेज हैं, मुझे बताइएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, आई लेफ्ट इनडोर एंड I left for indoor. Which one is correct? Second one. ठीक है, बाकी भी बता ले। First one correct है, कोमल कह रही है, अस्मा भी one कह रही है।
अच्छा बेटा मैं आपको बताती हूँ दोनों केसेस में क्या है. इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस. नवी बख्श विच अभी अभी आप मेरी सुन लें. दोनों करेक्ट हैं. इनमें एक कह लें कि कंडीशन है. आई लेफ्ट इंडोर. इसका मतलब है मैंने इंडोर को छोड़ा किसी और प्लेस के लिए. आई लेफ्ट इंडोर. मैंने इंडोर को छोड़ा है. ठीक है. जब आप उसी स्पेसिफिक प्लेस को छोड़ रहे हैं ना तो आपके पास आई लेफ्ट इंडोर मतलब कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन आई लेफ्ट इन फोर इंडोर का मतलब क्या होगा कि जब एक जगह को आप छोड़ रहे हैं किसी दूसरी जगह के लिए. फर्ज करो जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली मैंने ट्रेवल किया है इस्लामाबाद की तरह तो मैं कहूंगी आई लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद क्योंकि मैंने लाहौर को छोड़ा किसके लिए इस्लामाबाद के लिए. सो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू. जब आप कोई स्पेसिफिक जगह छोड़ रहे हो जैसे कि मैंने लाहौर छोड़ा तो मैं कहूंगी आई लेफ्ट लाहौर. यहाँ पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप डेस्टिनेशन बता रहे हो कि मैंने किस जगह के लिए छोड़ा तो वहां पे आप प्रेपोजिशन का यूज करोगे कि आई लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद कि मैं इस्लामाबाद के लिए किसी प्रीवियस जगह को छोड़ रहा हूँ. ठीक है. तो आई थिंक सो कि अभी आप सबके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे. ठीक है. सोर्स के लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पे नहीं लगेगा. प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे. लेकिन जहाँ पे सोर्स नहीं है वहां पे सोर्स देना है वहां पे हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. ठीक है. अभी हम जो देखेंगे वो है नेक्स्ट हमारा. अच्छा एनोमरेट्स है इनफ्यूटिड्स है सेमिचिन है और दे विल एनोमरेट्स विद हर. अच्छा इन सबका मतलब क्या है पहले तो हमें मीनिंग का बताना चाहिए ना. इन सबका मतलब है आपको हिप्नोटाइज कर देना. हिप्नोटाइज के बारे में सबने सुना होगा. मतलब आपके इमोशंस को मतलब पागलपन की हद तक किसी चीज को चाहना भी कह सकते हैं आप. किसी से इम्प्रेस हो जाना. ठीक है. और इसके अलावा भी इसके काफी सारे मीनिंग्स बन जाते हैं. ठीक है. इनॉमरेट का मतलब है कि किसी चीज को भी इतना चाहना कि आप कहते हैं पोजेसिव हद तक आप उसके बारे में ऑब्सेस्ड हो जाना. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. ऑब्सेस्ड हो जाना और इस तरह के सेंस में इनके मीनिंग्स आते हैं. तो इन सब का मतलब क्या है कि इनके साथ आप विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. आप कैसे करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं. दे वर इनॉमिनेटेड विद हर. अब वो इतना पागल है उसके लिए. किसके लिए. किसी के लिए पागल है. ठीक है. जिसके लिए भी पागल है उसके बारे में जानने की अभी हमें जरूरत नहीं है. अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आई होप सो कि इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव हम करते हैं. कंप्लेन. अच्छा यहाँ पे भी थोड़ी सी आपके पास जो है वो क्लियर है. बहुत अच्छी बात है. अब्दुल समदन सब कह रहे हैं क्लियर है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे बेटा हम देखेंगे. अभी मैं काउंट करना छोड़ दिया था लेकिन आई होप सो कि 50 प्लस आज हम जो है प्रेपोजिशन को कवर कर लेंगे. और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक ही क्लास में 50 प्लस प्रेपोजिशन इस तरीके से पढ़ रहे हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं और आप कभी भी एग्जाम्स में अगर इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन आ जाएगी तो आप इसको अगर एक दो बार स्लाइड्स को रिवाइज करने का कष्ट कर लेते हैं थोड़ी सी अपने कहने के तकलीफ उठा लेते हैं जहमत कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्जाम्स में ये कभी भी प्रेपोजिशन वाला जो टॉपिक है ना ये तंग नहीं करेगा. और ये ऐसे पैक्ड मार्क्स हैं जो आप इजीली अवेल कर सकते हो. ठीक है. इजीली आप लोग ले सकते हो. और 10 मार्क्स की प्रेपोजिशन लाजमी आती है. खासतौर पे सीएसएस और पीएमएस में 10 मार्क्स इनके कंपलसरी हैं. उसके बाद हम देखते हैं बेटा कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन. तीनों कंप्लेन है. आप कंप्लेन टू अथॉरिटी मतलब कभी भी आप पुलिस के पास जाते हो कंप्लेन करने जाते हैं ना. हम अगर फर्ज करो किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपने किसी क्लर्क ने आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आप या मैनेजर के पास जाओगे या आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जाओगे कंप्लेन करने के लिए. ठीक है. वैसे आप पुलिस के पास भी जाते हो तो जब भी कभी भी आपके पास कंप्लेन आप किसी से करने जा रहे हो अथॉरिटी के पास करने जा रहे हो तो बेटा वहां पे आप अथॉरिटी के लिए टू का यूज करोगे. किसी अथॉरिटी के पास कंप्लेन करने जा रहे हो तो टू का यूज करोगे. कंप्लेन किसके खिलाफ मतलब जो भी बंदा था कोई क्लर्क था उसके खिलाफ करने जा रहे हो तो अगेंस्ट क्लर्क होगा. अगेंस्ट आपके पास कोई फ्रेंड भी हो सकता है ब्रदर भी हो सकता है मतलब अगर पेरेंट्स के पास जा रहे हो अपने बहन भाइयों की कंप्लेन लेके तो उस सेंस में ब्रदर वगैरह भी हो सकते हैं. तो इस सेंस में आपके पास जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करने जा रहे हो वो पर्सन हो जाएगा. उसके बाद किस बारे में उसने ऐसा क्या किया तो उस बारे में जिस बारे में आप कंप्लेन करने जा रहे हो वहां पे अबाउट आ जाएगा. कोई भी एक्टिविटी जरूरी सी बात है कि अगर फर्ज करो कोई चोर है तो उसके बारे में आप करने जा रहे हो आप पुलिस के पास गए हो आप पुलिस के पास कंप्लेन करने गए हो तो पुलिस के पास आप किसकी कंप्लेन करने गए हैं चोर की. ठीक है. एग्जाम्पल समझेगा एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. चोर की कंप्लेन करने गए हो तो हम यहाँ पे आप लगा देंगे कि आपके पास टू आएगा. ठीक है. फर्स्ट में उसके बाद अगेंस्ट के आपके चोर के खिलाफ करने गए हो उसके आपके पास अगेंस्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी. अब यहाँ पे आपके पास आगे भी आ गया है सेंटेंस. सेंटेंस देखें टू अगेंस्ट.
अच्छा जी, जवाब आना भी शुरू हो गए हैं मैम। फर्स्ट एंड थर्ड पे एक जैसा ही लग रहा है। नहीं बेटा, एक जैसा नहीं है। देखिए, दे कंप्लेन टू द पुलिस अगेंस्ट देयर सर्वेंट्स। अच्छा, यहाँ पे अबाउट भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, ठीक है। अबाउट और फॉर स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम देयर हाउस, कैसे एक जैसा लग रहा है? वो तो एक्टिविटी बता रहे ना जिसकी वो कंप्लेन करने गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अबाउट भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास है डिस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक कह लें कि डिस्पाइट जो है ना वो इसके मुतबादिल यूज किया जाता है। ये सिनोनिम हम कह लें कि एक दूसरे की ऑपोजिट, मतलब कह लें रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को। इन स्पाइट ऑफ जहाँ यूज करते हैं वहां पे आप डिस्पाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्पाइट आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ऑफ ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ की प्रीपोजिशन कभी यूज नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो आपने डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। हम इन स्पाइट ऑफ पढ़ते हैं तो हम गलती से डिस्पाइट ऑफ भी यूज कर देते हैं। लिखने में भी, राइटिंग में भी मैंने ये मिस्टेक्स एवेल्युएट की हुई हैं, और इवन के प्रेपोजिशन में तो अक्सर ये मिस्टेक आप लोग कर जाते हो। तो मेक श्योर कि डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। He can't score pass marks despite dash hard work. अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, कुछ आएगा? Anyone? अभी तो पता नहीं आता despite के साथ। Despite dash hard work. कोई preposition लेगा अपने साथ? नहीं लेगा, नहीं लेगा बेटा। देखें अभी भी off कह रहे हैं बेटा, नहीं लेगा। यही तो बताया कि डिस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। डिस्पाइट के अंदर खुद ब खुद इन स्पाइट ऑफ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, क्रॉस है। असद, आपका कोई क्वेश्चन है? इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन। मैम, मसला ये आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे या तो माइक आ रहा है जिसकी वजह से हवा का शोर आ रहा है। एक मिनट, मैं थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी मुझे बताएगा, मैंने थोड़ा सा वो करें। अभी बेटर हुआ? यस मैम, अभी सही है। चलिए ठीक है। आई थिंक फैन था। हाँ बिल्कुल बेटा, फैन था। मुझे इन्होंने पहले नहीं ना इस तरह बताया, थोड़ा सा तो फैन ही था, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, मैंने आपको बताया है इसमें नहीं आएगा। आप दा बहुत शरारती हैं। आप फिजिकल क्लासेस में होती ना तो आपको बहुत पनिशमेंट मिलती है ना। मजाक कर रही हो आप, मेरी फेवरेट। मैं मतलब मैंने यहाँ पे ये एजेंडा उठाया हुआ है कि सबको गर्मी में बैठना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मेरे से बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट हैंडल इट। ऐसे ही है मैम, ऐसे ही है ना, आपको पनिशमेंट मिलती होगी मुझे लगता है। अच्छा वैसे शरारती स्टूडेंट्स अक्सर टीचर्स के फेवरेट होती है क्योंकि उनकी नजरें हमेशा उन्हीं पे होती है ना। फिजिकल क्लासेस में भी ऐसा ही होता था, ठीक है ना। तो मेरी भी नजरें भी हमेशा आप पे ही होती है। अच्छा खैर, हम बैक टू द टॉपिक। हम देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ड है डिफर विद, डिफर फ्रॉम और डिफर ऑन। अच्छा, डिफर के साथ भी तीन वर्ड्स यूज होते हैं। कामयाब भी ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है, कामयाब भी ज्यादा होती है। वेरी गुड, अच्छी अच्छा आइडिया दिया है आप ना। आपको भी मैं भी आपको पनिशमेंट में असाइनमेंट दे दिया करूंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं डिफर विथ किसके साथ यूज होता है। मैंने लास्ट में बताया था आपको कि डिफर मतलब विथ जो है वो किसके लिए यूज होता है, मोस्टली पर्सन के लिए ना। इस मिस्टेक की या बेटा वैसे ही जनरल बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ठीक है। कभी भी कोई भी ऐसा इशू हुआ तो फिर आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है।
इससे आप लोगों का फायदा भी होगा और पनिशमेंट भी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम विद जो है, मैंने आपको बताया था पहले भी 90% ये आपको पर्सन के केस में यूज होता नजर आएगा, ठीक है। विद हमेशा पर्सन के केस में यूज होता नजर आएगा। डिफरेंट फ्रॉम होता है बेटा कोई भी शेप साइज कलर कम्प्लेक्शन और फिजिकल कमोडिटी का एक दूसरे से जो है कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो वो हम कह देते हैं डिफर फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिफर ऑन, किसी इशू स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक मैटर पे किसी भी इशू पे अगर आपका कोई भी मसला है, आप उससे अनॉय नहीं है, आपका उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। अच्छा यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल मैं दूंगी, आप अब यहाँ पे हमारी क्लास में मोस्टली जो है ना काफी सारे स्टूडेंट बैठे हैं, अक्सर हमारा रिलीजन पे भी एक दूसरे से पॉइंट पे जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हर एक अपना नजरिया होता है, या पॉलिटिक्स पे भी हमारा होता है, आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होना तो पॉलिटिकल पार्टीज पे भी हमारा एक दूसरे से जो है ना वो डिफरेंस होता है, डिफर ऑन पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं या पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक इशू है ना तो उसके ऊपर आपके पास डिफर ऑन का यूज किया जाएगा। तो हमने देखा डिफर विद की कब होगा, जब हमारे ओपिनियन किसी और इंसान के ओपिनियन से मैच नहीं करते तो हम कहेंगे वी आर डिफर विद हर और विद हर मदर विद हर पेरेंट्स विद माय फ्रेंड, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जब आप दोनों के ओपिनियंस आप लोगों की थॉट्स मैच नहीं करती हैं। लेकिन डिफरेंट फॉर्म का मतलब है कि वो साइज में मतलब हाइट में थोड़ा भला छोटा है या उसका कम्प्लेक्शन थोड़ा उसकी बात कर रहे हैं तो आप वहां पे फॉर्म का यूज कर लेंगे, और अगर हम देखते हैं कि इशू है तो फिर हम ऑन का यूज करेंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैम सिर्फ ओपिनियन के लिए स्पेसिफिक ही है, विद जो है बेटा वो ओपिनियन के केस में, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, कहते हैं ना ये मेरे में और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, तो बेटा उस केस के अंदर आप विद का यूज कर सकते हो, ठीक है, उसकी सोच तो मेरे से बिल्कुल नहीं मैच करती तो वहां पे आप विद का यूज कर सकते हो। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, आपको सेंटेंस के अंदर इसको अप्लाई करके दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे देखें माय गर्लफ्रेंड ऑलवेज डिफर्स डैश हर मदर, विद आएगा, वेरी गुड मुजम्मिल। उसके बाद देखेंगे योर पेनिस डिफर, अभी बताया था ना शेप वगैरह, फ्रॉम माइन, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद यू एंड आई कंप्लीटली डिफर ऑन दैट इशू, तो यहां पे ऑन आ जाएगा, ठीक है, यहां पे इशू है तो ऑन आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और डील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के फेवरेट है। मैंने 5-6 ऐसे टॉपिक्स मतलब पेपर्स देखे थे पास पेपर में जिसमें ये है थे, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इनको स्लाइड्स में जो है वो स्पेशली मेंशन किया है। और डिफर डील कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो हर साल लाजमी आते हैं। डील के अंदर भी थोड़ा सा फर्क है, डील अपने साथ विद भी लेता है, इन भी लेता है, आउट भी लेता है। डील इन आपके पास आ जाएगा बिजनेस के लिए, डील विद अगेन पर्सन के लिए, विद मैं आपको बता चुकी हूँ, विद तो आपको कहीं पे भी नजर आते हैं ना तो अपने बाद पर्सन लाजमी लेगा। उसके बाद देखेंगे डील आउट, डील आउट का मतलब क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम कोई चीज दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो किसी को देने का सेंस में जब आता है तब वहां पे हम देखेंगे कि डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डील इन बिजनेस, डील विद पर्सन एंड डील आउट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, चैरिटी की जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज है आपके पास थी और आपने उसको आप डील आउट मतलब कुछ जा रहा है ना, वैसे भी चैरिटी भी अगर आप देखें तो आपके पास थी कोई चीज आप उसको बाहर भेज रहे हैं, सही है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को, तो वो आपके पास है तो बाहर ही जा रही है ना, आउट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसका सेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट में आ जाता है, ठीक है, ओके, यस मैम। हाँ जब आप लोग यस कह रहे थे उसका मतलब होता है कि आप लोगों को समझ आ रही है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप लोग अप्लाई भी करके देखेंगे, अप्लाई करने यहाँ पे दे डील डैश ब्राइडल वियर, ब्राइडल वियर मतलब वो ब्राइडल वियर के साथ डील कर रहा है, क्या आएगा, बिजनेस कर रहा है ना वो, तो इन आएगा, नहीं नहीं बेटा विद नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, विद पर्सन के लिए है ना, इन आएगा, इन विद पर्सन के लिए, यहाँ पे ब्राइडल वियर के साथ वो डील करता है, सो इट्स मीन कि वो ब्राइडल वियर का बिजनेस करता है, यस गुड, सब इन कह रहे हैं तो क्या आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। द टीचर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट डील्ड डैश चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑन एवरी संडे, क्या आएगा, डेल्ट आउट आएगा, वो क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है,
ठीक है, हाँ आउट आएगा बिल्कुल, विद नहीं आएगा, सब विद कह रही है, विद नहीं आएगा, आउट आएगा ना, देखिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट का सेंस नहीं आ रहा, दोबारा से रीड करें सेंटेंस को, द टीचर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट डेल्ट आउट चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट ऑन एवरी संडे, वो जो टीचर है वो हर संडे को स्टूडेंट्स के दरमियान क्या करती है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, आउट आएगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, आई कांट डील डैश योर फादर, आप देखिए आपके पास पर्सन आ रहा है विद योर फादर, ठीक है, पर्सन आएगा विद अपने बाद हमेशा पर्सन लाजमी लेगा, ठीक है, तो ये आप लोगों ने बस क्लियर कट याद रखने तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, एज ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, तो ये आगे हमारे पास एक सेंटेंस है, कहना चाह रहा है कि भाई मैं आपके फादर के साथ जो है वो डील नहीं कर सकता, तो पर्सन के लिए ना, तो पर्सन के लिए आपको समझ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अवार्ड्स और अवार्ड्स, अच्छा अवार्ड के साथ भी दो किस्म की प्रेपोजिशन लगती है, अवार्ड्स और मतलब कि कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया है, एक्शन रिप्ले किया है जिसकी वजह से उनको अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, उस अवार्ड फॉर वहां पे आएगा, और जिस पर्सन को वो अवार्ड नॉमिनेट किया जा रहा है या डोनेट किया जा रहा है वो पर्सन के लिए हम टू लगाएंगे, डेस्टिनेशन के लिए, उस पर्सन की अवार्ड की भी डेस्टिनेशन है ना, तो मैंने जब आपको टू प्रेपोजिशन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपने टू का यूज करना है, तो उस अवार्ड की डेस्टिनेशन मीन्स कि इस पर्सन को वो मिलने वाला है, तो वहां पे भी आपके पास टू का यूज किया जाएगा। ही वॉज अवार्डेड डैश अ गोल्ड मेडल, अच्छा एक आपको मैं यहाँ पे बता दूं, असद बेटा आपका माइक अनम्यूट है, मैंने कर दिया कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, ही वॉज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल, आपके पास कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी जब आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले ही बता चुकी हूँ, जब वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है मीन्स अवार्डेड अ गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आप कह सकते हैं कि वो नहीं आएगी, फिक्स प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अवार्डेड अ गोल्ड मेडलिस्ट आएगा, उसके बाद आएगा फॉर विनिंग 100 मीटर रेस, तो यहाँ पे फॉर आएगा, ठीक है, पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक आपने एक नोट एक रूल है याद रखना है कि आपके पास कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। अ सिल्वर मेडल वाज अवार्डेड डैश द बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल, अब देखिए किसको अवार्डेड किया जा रहा है, टू द बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल, तो ये उसकी डेस्टिनेशन को शो कर रहा है, किसको दिया जा रहा है, पर्सन को शो कर रहा है, जिस पर्सन को वो अवार्ड दिया जा रहा है, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोन ऑफ एंड बोन एट, ये भी बहुत कह लें कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, बोन ऑफ हम कहते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हम कहते हैं कि ही इज बोन ऑफ रिचेस्ट और वेल्दियस्ट फैमिली, ठीक है, वेल्दी पेरेंट्स, तो यहाँ पे बॉर्न ऑफ आएगा, ठीक है, अगर कोई वेल्दी पेरेंट्स के घर में कह लें कि बॉर्न हुआ है या पैदा हुआ, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, बॉर्न ऑफ, हम अक्सर एक वर्ड बोलते हैं कि ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, ठीक है, तो जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ जाता है वो तशबीह दी जा रही होती है वेल्दी पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उसी तरह से यहाँ बॉर्न ऑफ का यूज किया जाएगा जब आप क्या किसी का स्टेटस शो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास उस टाइम पे जब आपने किसी को प्लेस, किसी की आपने प्रॉपर लोकेशन को कह लें कि वहां पर कह लें डिक्लेयर करना है या आपने वहां पर रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे आपके पास इन और एट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही कह लें कि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इन और एट कहाँ पे आएगा, आप इन सिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक सिटी है, इन लाहौर कह सकते हैं, कराची कह सकते हैं, इस्लामाबाद, वट एवर यू वॉन्ट टू से एट दैट टाइम, लेकिन एट आप उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए कहेंगे जहाँ पे वो पैदा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ही वॉज बॉर्न ऑफ वेल्दियर पेरेंट्स एंड ही वॉज बॉर्न इन सिटी हॉस्पिटल एट इंदौर, ठीक है, जो आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है, ये मैं आपको पहले बेसिक प्रेपोजिशन में भी करवा चुकी हूँ कि स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम एट का यूज करते हैं, एट द बस स्टॉप मीन सारी और जितनी भी लोकेशन है उनको माइनस करके एक स्पेसिफिक लोकेशन को हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेड, अच्छा ये भी आपका बिजनेस डील के वाले हिसाब है, डील विद हमने बताया था कि आपके पास आ जाएगा कि किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, और इन आपके पास कॉमोडिटी हो जाती है, स्पेसिफिक वो चीज
जिसके साथ आप ट्रेड कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। द ब्रिटिश मर्चेंट ट्रेडेड डैश द इंडियन डैश जूट कॉटन एटसेट्रा, मतलब आपके पास आएगा, इसमें पहले में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा वो बताना चाहते हैं तो प्लीज चैट में आप लिख के बता सकते हैं। विद द इंडियन आएगा और कॉमोडिटी के लिए आप लिखेंगे इन जूट कॉटन, ठीक है। तो ये आपकी कॉमोडिटी हो गई कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ऐसा ऐसे ही है, ठीक है। विद एंड इन आएगा, पहली में विद आएगा, सेकंड में इन आएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिक्स प्रेपोजिशन में फीड्स। अच्छा, फीड नो प्रेपोजिशन वेन मीन्स, मतलब जब आपके पास कोई भी ऐसा है ना, जैसे कि आप देखिए मैन फीड्स मॉन्कीज, मतलब इंसान जो है ना वो डिपेंड, इसमें डिपेंडेंट का जो है ना वो थोड़ा कह लें मीनिंग ज्यादा है, कि जो मॉन्कीज है ना वो इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंसान उनको खिलाते हैं। अगर आप इसको दूसरे सेंस में देखें, अगर आप इसको देखते हैं द मैन फीड मॉन्की, तो आपको एक ये भी सेंस नजर आती है कि इंसान जो है वो मॉन्कीज पे डिपेंड करते हैं, वो इन्हें खाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इंसान जो है वो मॉन्कीज को खिला रहे हैं, तो इट्स मीन फीड्स मॉन्कीज, यहाँ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें द मैन फीड्स ऑन फ्रूट एंड मिल्क ऑनली, तो हम जो हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे करते हैं, तो यहाँ पे ऑन आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। पहले वाले में कोई नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड वाले में ऑन आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वर्ड, वो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ है, रिजल्ट फ्रॉम है, मतलब कोई भी ऐसा आप देखें कोई इवेंट हुआ, जैसे कि फ्लड आया अभी रिसेंटली जो स्ट्रॉम हुआ है आपने कराची में देखा है, तो उसके उस एक नेचुरल डिजास्टर था, उसके काज में उसके जो उसके रिजल्ट में कौन से क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, वो रिजल्ट फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट इन इफेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ जेलसी, रिजल्ट ऑफ जेलसी। अब यहाँ पे अनहैप्पीनेस रिजल्ट डैश जेलसी। अब यहाँ पे रिजल्ट फ्रॉम जेलसी भी आ सकते हैं ना, कि अनहैप्पीनेस किसकी वजह से हुई, कॉज क्या बना, जेलसी कॉज बनी, ठीक है, और जेलसी रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। सो आई थिंक सो इट्स जो इनके थोड़ा सा डिफरेंस था इन तीनों के दरमियान, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.